हमसे जुड़े सभी अभिभावक बच्चे एवं शिक्षकों का हमारे चैनल पर आपका सबका स्वागत है। आज हम सीबीएसई के द्वारा रिड्यूस किए गए सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है इससे बच्चों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। COVID-19 जो पेंडेमिक है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और स्कूल्स नहीं लग पा रही हैं, क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, टीचर्स पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बट द एक्चुअल एजुकेशन प्रोसेस, एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस इज नॉट गोइंग वेरी वेल। दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी कैपेबल टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स ऑनलाइन, दे आर गेटिंग द कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन, बट दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट कैपेबल, इवन दो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन क्लास प्रॉपरली एट वन टाइम, उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे केस में हम कैसे पूरा सिलेबस रन करवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इस वजह से सीबीएसई ने इसको रिड्यूस किया है यहाँ पर, जिससे सभी बच्चे इसमें आसानी से एग्ज़ाम दे सकें कम टाइम में भी पढ़ के। अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सितंबर में संभावना है कि स्कूल खुल सकती है, लेकिन काफ़ी टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, जिस वजह से सीबीएसई ने यहाँ पर थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए बच्चों को, शिक्षकों को इसमें सिलेबस को रिड्यूस किया है। लेकिन क्या सिलेबस रिड्यूस करना बच्चे के भविष्य के लिए सही है? बच्चे के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्लास टेन तक की जो साइंस है, क्लास टेन तक की जो मैथ है, ये बेसिक मैथ, बेसिक साइंस की तरह मानी जाती है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ तक का सिलेबस ही पूछा जाता है, तो बच्चे के लिए पूरा सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। तो सीबीएसई ने ये बात बिल्कुल नहीं कही है कि आपको जो सिलेबस इसमें इंक्लूड नहीं किया गया वो नहीं पढ़ाना है। आपको मैं ये पैराग्राफ यहाँ पे बताता हूँ कि द हेड ऑफ स्कूल एंड टीचर्स में इंश्योर दैट द टॉपिक दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर आल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स। यानी अलग अलग टॉपिक्स को समझने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती तो आपको वो टॉपिक जो हटा दिए गए हैं उनको भी आपको डिस्कस करना होगा बच्चों से। However, the reduced syllabus will not be the part of the topic for internal assessment and year end board examination. यानी final exam जो होगा उसमें इनसे question नहीं पूछे जाएंगे, जो syllabus reduced हुआ है उससे, और internal assessment में भी इनसे question नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ final year exam की बात की गई है, ना कि मिड टर्म या बाकी अभी exam की बात नहीं की गई है। अगर टीचर के पास समय है, बच्चों के पास समय है, अगर वो किसी तरीके से ऑनलाइन प्रॉपर क्लास रन करवा रहे हैं, तो उनसे मेरा भी एक निवेदन रहेगा कि बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए। गार्जियन को भी ये जानना होगा, पेरेंट्स को भी ये जानना होगा कि कम सिलेबस से उनका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। अगर बच्चे उस सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में जो हायर क्लासेस हैं उनमें इनको अलग से सब्जेक्ट, अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाए जाएंगे, ऐसे में उनको प्रॉब्लम होगी, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नाइन्थ का सिलेबस इलेवंथ के सिलेबस से मोस्टली मैच खाता है और टेंथ का सिलेबस ट्वेल्थ के सिलेबस के मोस्टली सेम है। तो अगर बच्चे को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे बच्चा आगे का चीज़ सीखेगा? तो बच्चे को अभी जितनी संभावनाएं हैं उसको यूज़ करते हुए बच्चे को पूरा टॉपिक कवर करवाया जाए तो बच्चे को बाकी सभी टॉपिक समझ में आएंगे। हालांकि इसमें सीबीएसई ने, जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ पे इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं दे दूंगा, आप ये जो ब्लू कलर की लिंक देख रहे हैं इससे क्लिक करके आप नया सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो उसमें सीबीएसई ने कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड थे, जो सोशल रिलेटेड थे, उनको उन्होंने सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए कंसिडर किया है अलग से, आप सिलेबस देख लीजिएगा, लेकिन उनसे फाइनल ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और काफ़ी सारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, तो इससे बच्चों का सच बोले तो नुकसान ही है, क्योंकि सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ़ायदा है, लेकिन अगर ओवरऑल फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नुकसान है। मेरा एक रिक्वेस्ट है टीचर से, बच्चों से, गार्जियन से कि बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएं अगर उनके पास समय और संसाधन अवेलेबल है तो। अदरवाइज वो जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है आप उसके साथ जा सकते हैं, अगर सिर्फ टेंथ क्लास में आपको हायर मार्क्स गेन करने हैं तो। यहाँ पर टीचर्स को भी हम बता दें कि सिर्फ फाइनल एग्जाम में रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज थिंग्स। ओके, जो लोग अभी तक पढ़ा रहे थे उन्होंने भी बाकी चीज़ों को इंक्लूड किया होगा, क्योंकि सीबीएसई ये नहीं कहता कि आपको चैप्टर 1, 2, 3 यानी बिगिनिंग से ही काउंट करके चैप्टर्स पढ़ाने हैं। आप कहीं से भी जो सुटेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट है, जो जिससे बच्चा सही समझ सके, जिस ऑर्डर में समझ सकता है, उसी हिसाब से भी पढ़ा सकते हैं। तो टीचर्स ने बाकी टॉपिक कवर किए हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है और आप उनको पढ़ा सकते हैं। और फाइनल ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएँ तो कोशिश करिए कि आप उन्हीं को एग्ज़ाम में पूछें, लेकिन बाकी टॉपिक्स भी बच्चों को कवर करवा दें। इस वीडियो में हमारा बस इतना ही संदेश था, बाकी सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है
हम आपसे बात करेंगे पूरे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। मैथ और साइंस का हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप इंतज़ार कीजिए कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है हम आपको आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।